आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपकी साइड पे टेंटेटिव जो शेड्यूल दे रखा है उसके अंदर ये मेंशन है कि आपका रिजल्ट जो है यानी कि आज के दिन यानी कि आज हो गया आपका 11 सितंबर को आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भैया जो आप बोल लेते हैं कि हमारे जो साइड है साइड में मेंशन भी है कि 11 सितंबर को हमारा जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी यानी कि रैंक लिस्ट आ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरिट लिस्ट और रैंक लिस्ट आपके आज निकल के आ जाएगी, ऐसा आपके साइड पे मेंशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं भैया आज तो सैटरडे है तो क्या हमारा रिजल्ट आज आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी साइड पे मेंशन कर रखा है इन्होंने तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट आज ही आएगा। जब तक कि साइड पे कुछ अपडेट नहीं करते जब तक तो हम यही बोल सकते हैं कि या जो आपका रिजल्ट है वो आज ही आएगा। और मैं भी ये आशा करता हूं कि आप सबका रिजल्ट आज ही आ जाए क्योंकि एक बार और पोस्टपोन हो चुका है तो आपसे बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है भैया हमारा रिजल्ट आएगा भी या फिर नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं आज के दिन आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अगर नहीं डिक्लेयर किया जाता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे आपके टेंटेटिव शेड्यूल में मेरे अकॉर्डिंग। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप सबका रिजल्ट आज फाइनली आ जाए और जो भी कुछ होगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे आपका आज रिजल्ट आ जाएगा, मुझे तो लगता है 99% चांस यही है कि आपका फाइनली आज रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी। तो प्रेफरेंस फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक करा था, आप इस बार मिस्टेक मत करना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है वीडियो में, वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके अंदर मैंने सभी चीजें बता रखी आपकी, जैसे आपके प्राइवेट कॉलेजेस कितने, ठीक है, और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितने और किसमें कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन से कॉलेज में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर देखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आई होप आप सभी का रिजल्ट आज आ जाए और सभी का सिलेक्शन फाइनली हो जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले, जितने भी पॉइंट वीडियो थे उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जैसे आप सबका रिजल्ट आ जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। सो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और सबको ऑल द बेस्ट।